what type of precautions should passenger take for their baggage while traveling? जब वो बैग ले जाते हैं तब बैग हमेशा लॉक करके रखना चाहिए और बैग को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और एक साइड का बैग जो होता है उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति से सामान नहीं लेना चाहिए. Right. If something goes wrong with your passenger in abroad, where should he contact? उनको पहले इंडियन कंसुलेट में कॉन्टैक्ट करना चाहिए और या एम्बेसी में. Right. What are the things related to driving license that need to be ensured? ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा वैलिड और करेंट होना चाहिए और जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के ड्राइविंग कानून को अच्छी तरह जानना जरूरी है. राइट. व्हेन ट्रैवलिंग अब्रॉड व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग द गिफ्ट और पैकेजेस. किसी भी अननोन व्यक्ति से गिफ्ट और पैकेजेस नहीं लेना चाहिए. राइट. व्हाट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग फॉरेन ट्रिप्स इन सम कंट्रीज. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. राइट. इफ पैसेंजर वियर ग्लासेस what should they keep in mind while traveling abroad. अगर पैसेंजर ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है तो उसको हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रखना चाहिए ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के. राइट. व्हाट शुड द ट्रैवलर ऑलवेज हैव इन फॉरेन ट्रैवल. ट्रैवल इंश्योरेंस. राइट. व्हाट शुड द ट्रैवलर नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन व्हाइल गोइंग आउट ऑफ द कंट्री. उन्हें कभी भी लोकल से कोई सामान लेना नहीं चाहिए जो कि आउट ऑफ कंट्री ले जाने के लिए वो कह रहा हो. राइट. What is the important thing which the traveler should know and follow when traveling abroad? उन्हें वहाँ के locals के जो कानून होते हैं उनको जानना जरूरी होता है. Right. Why is it necessary to check and behave according to local customs and style? क्योंकि वहाँ के कानून के अनुसार हमें चलना पड़ता है क्योंकि अगर जो कानून हम अपने कंट्री में मिसबिहेव करते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उसको तोड़ते हैं उस कंट्री में वही कानून अगर उसको तोड़े तो वहाँ पर पेनल्टी देना पड़ सकता है. Right. How should medicine be kept? Medicine हमेशा original container में और label के साथ होना चाहिए. Right. What thing the patient should have for the medicine taken for a disease? उनके doctor prescribed medicine होना चाहिए, signed medicine होना चाहिए. Right. What information is required in the doctor signed note about the medicine to be taken for a disease? उस prescription में drugs के नाम होने चाहिए, उसको किस तरह खाना है वो होने चाहिए और किस कारण से वो drugs दिया गया वो होने चाहिए. Right. What will happen if you take medicine with you while traveling abroad without a prescription? बिना prescription से किसी दूसरे country में दवाई ले जाना illegal कहलाता है. Right. What thing you should know about carrying mobile? हमेशा अपना मोबाइल लेके चलना चाहिए या तो मोबाइल रेंट पे लेके चलना चाहिए. Right. Which number are required to be stored in your mobile? हमेशा जहाँ जिस कंट्री में उस कंट्री के लोकल पुलिस के नंबर होने चाहिए और एम्बेसी के नंबर होने चाहिए. राइट. हाउ मच मनी एंड इन व्हाट फॉर्म यू शुड ट्रैवलर कीप विद हिम फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड. ट्रैवलर जिस ट्रिप पे गया उस ट्रिप के लिए उसके पास सफिशियंट पैसे होने चाहिए और उस पैसे को या तो वो ट्रैवल चेक के रूप में रख सकता है या तो कैश रख सकता है. राइट. व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग द ट्रैवलर चेक. ट्रैवलर चेक का नंबर हमेशा नोट करके रखना चाहिए इन केस वो खो जाए. राइट. Why is it necessary to be aware of the laws related to money? क्योंकि हर एक कंट्री में मनी एक्सचेंज के लॉज अलग अलग होते हैं इसलिए वहाँ के कानून जानने जरूरी होते हैं. Right. Which exchange facility related to money should be used? International money exchange facility. Right. Why should we use official exchange facility related to money? क्योंकि अगर हम official exchange facility के अलावा दूसरा कोई exchange facility अपनाते हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है, कुछ छेड़खानी हो सकती है पैसे से, गड़बड़ी हो सकती है. Right. For foreign travel, what things should be kept in mind regarding passport? Passport हमेशा valid होना चाहिए. Right. What should be the validity of the passport for the foreign travel? At least 6 months. Right. Which document should be photocopied while traveling? Passport, visa और other important documents हमेशा photocopy होने चाहिए. Right. Where should the photocopy of passport, visa and other important document be kept while traveling? ये सारे documents, original documents और photocopy documents से अलग अलग होने चाहिए. Right. When traveling abroad, about which item traveler should take precautions while using? Photography करते समय और camera use करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनकी ध्यान रखना चाहिए. Right. Why is it important to take care of using photograph, videos and binoculars traveling abroad? क्योंकि किसी country में photography, binoculars use करना गलत समझा जा सकता है, जैसे कि military base area में military installment area सब में. Right. Who should pregnant woman consult before traveling? They should contact doctors. Right. When is it safe to travel in a normal pregnancy? In the first initial stages. Right. Who are the passengers required to tell about their traveler itinerary? उन्हें अपने relatives को बताना चाहिए कितने समय के लिए वो बाहर जा रहे हैं, कब तक के लिए जा रहे हैं और उन्हें अपना important contact number देना चाहिए ताकि वो emergency में contact कर सके. Right. Which item should not be openly displayed?
कैमरास एंड फोटो फोटोग्राफी कैमरास एंड मोबाइल फोन्स राइट व्हाट शुड बी यूज्ड टू कीप ए मोबाइल फोन्स और ए डिजिटल कैमरा इन द सूटकेस ऑन द बैकपैक राइट If you have not left your valuable items at home, where should you keep them safe? We should keep them in the hotel. Right. What do you need to keep in mind regarding visa? Visa, जिस देश में हम जा रहे हैं उस वो visa वैध होना चाहिए और वो सही तरीके से जाना होना चाहिए. Visa वैध होना चाहिए जिस country में हम जा रहे हैं उस country का visa वैध होना चाहिए. When traveling abroad, what thing should be necessary to investigate related to water? उस country का water टैप वाटर पीने के लायक है क्या नहीं ये देखना चाहिए अगर नहीं है तो हमें वाटर बोतल सीट पैक यूज करना चाहिए राइट व्हाट आर द थिंग अवॉइड व्हाइल ईटिंग अब्रॉड वहाँ पे खुले का सामान नहीं खाना चाहिए सलाद नहीं खाना चाहिए और आइसक्रीम वाटर नहीं लेना चाहिए और कोई फ्रूट पील ऑफ किया हुआ नहीं लेना चाहिए राइट